वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे बीन्स आलू पोस्तो। ये एक बंगाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी एक रेसिपी है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम बीन्स लिया है लंबाई में कटा हुआ और 150 ग्राम आलू इस तरह से छोटे छोटे पीस में कटा हुआ। अब एक ग्राइंडर जार में 5 टेबल स्पून खसखस डालेंगे, 40 से 50 ग्राम के करीब। इसी के साथ ही इसमें लहसुन की कलियाँ डालेंगे 3 और हरी मिर्च 3-4। पानी डालेंगे आधा कप। अब इसे हम कवर करेंगे और पेस्ट बना लेंगे। ज़रूरत हो तो पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे। और ये देखिए, इस तरह से मैंने खसखस का पेस्ट बना लिया है। अब सब्जी को बनाते हैं। गरम पैन में 3 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डालेंगे। सरसों के ऑयल में खसखस की रेसिपी बहुत अच्छा बनता है। अब गरम तेल में 2 सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। मिर्च भुन जाए तब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और ऑयल के साथ मिक्स करेंगे। अब इसमें कटे हुए आलू और बीन्स डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसी के साथ ही इसमें हम नमक भी डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। अब नमक को सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके रखेंगे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे। इससे सब्जी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। 3-4 मिनट के बाद लीड को हम खोलेंगे और सब्जी को करछी से चलाते हुए फ्राई करेंगे। इसी के साथ ही अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है। खसखस की सब्जी थोड़ी सी स्पाइसी बने तो अच्छा लगता है। अब अदरक लहसुन को सब्जी के साथ मिक्स करते हुए 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और सब्जी जब इस तरह से 90% फ्राई हो जाए तब इसमें हम खसखस पेस्ट डालेंगे जो हमने बना के रखा है। और मिक्सी के जार में ही 1 कप पानी डाल के सब्जी में डालेंगे। अब सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाएंगे। 2-3 मिनट के बाद लीड को हम खोलेंगे और सब्जी को करछी से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक पकाएंगे। खसखस की सब्जी ड्राई बनाएं तो अच्छा लगता है। लास्ट में इसमें 1 टेबल स्पून सरसों का ऑयल डालेंगे। कच्चा सरसों के ऑयल का फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है। अब सब्जी को हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।